हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। जय श्री कृष्णा सबको। तो दोस्तों, आज का जो ब्लॉग है वो रात को शूट कर रही हूँ मैं। अभी बज गए हैं 8:15 हो गए हैं इवनिंग के। और गाइस, 3 दिनों से कंटिन्यू बारिश हो रही है और यहाँ पे लाइट भी नहीं है और मोबाइल में जो है नेटवर्क भी चला गया है। मेरे 2 नंबर है तो उसमें दोनों में से नेटवर्क चला गया है और बड़ी मुश्किल हो गया और बोर हो रही हूँ। और मैं और शिवांगी 2 टाइम सो भी गए दिन में, तो कपड़े भी धो के रखे थे मैंने रात को ही, वो भी भीग रहे हैं, गीले ही थे। तो अभी खाना बनाना है तो अभी बहुत मन ही नहीं कर रहा है कि क्या करें। अब सोना भी कितना है गाइस, सो के भी उठ गए हैं। फाइनली 4 दिनों के बाद लाइट आ गई है और मैंने अपना जो मोबाइल था यहाँ पे चार्जिंग लगाया था पेट्रोल पंप में। तो अभी मैं दिखाती हूँ आपको कि किस तरह से यहाँ पे ट्रस्टी हुई है। तो अभी दिखाती हूँ आपको कि आप नदी का रोड रूट। गाइस, ये जो देख रहे हैं आप, यहाँ पे नदी बह रही है। यहाँ पे पहले नदी नहीं थी, पल्ली साइड थी। तो ये देख सकते हैं आप, लोगों के घर भी डैमेज हुए हैं। अभी भी जल स्तर बढ़ा हुआ है नदी का और आगे दिखाती हूँ मैं आपको। गाइस, आप देख सकते हैं कि कहाँ तक नदी आ रही है। अभी भी पानी का जल स्तर बढ़ा हुआ है और देखिए नदी में पता नहीं किसका ट्रक है, बेचारा डूब गया है। और लकड़ी भी आ गई है, बड़े बड़े पेड़ आए हैं। और यहाँ देखिए आप सामने लोगों के बेचारों के घर भी टूट गए हैं, होटल थे बड़े बड़े वो भी नदी में बह गए हैं। गाइस, ना हमारे यहाँ पानी था और ना ही बिजली थी, तो बिजली के बिना मुश्किल हो गया था। तो अभी मैंने देखा कि तुरंत लाइट आई और मैंने फटाफट से नहा लिए। मैं क्या नहा लेती हूँ, फिर पता ना कब जैसे लाइट चली जाए दोबारा से। अभी भी क्या हो रहा है गाइस, बाहर बारिश लग गई है दोबारा से। तो फिर बताया कि मौसम ख़राब हो जाएगा। हे गॉड, क्या कर रहे हो आप भगवान। तो ऐसे ऐसे हाल हो गया, यहाँ पे फंस गए हैं। तो मम्मी चिंता मत करना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो गाइस, कैसे हैं आप सब, पहले तो आप ये बताइए मुझे। तो दोस्तों, मैं आज पता कितने दिनों बाद नहाई, मैं बताऊंगी ना कि कितने बार दिनों बाद नहाई हूँ, खुद गैस कर लीजिएगा। क्योंकि 3-4 दिन तो बारिश लगी रही, फिर उसके बाद लाइट चली गई। तो पूरे 4 दिनों के बाद हमारे यहाँ लाइट आई है और नेटवर्क चला गया था। फिर मेरे फ़ोन में ना 2% 3% ऐसे बची थी, तो घर भी नहीं बात हो पा रही थी सबसे। तो सभी टेंशन कर रहे होंगे बहुत ज़्यादा, पर अभी ये जो मैं वीडियो ये अपलोड करूँगी मैं अभी, ताकि सबको पता लग जाए कि हम बिल्कुल ठीक हैं यहाँ पे, मैं और शिवांगी। और दोस्तों, मैंने जो अभी फ़ोन में चार्जिंग करी तो वो करी मैंने पेट्रोल पंप में। हमारी जो मकान वाले की बेटी है नेहा, नेहा ने बोला मुझे कि दीदी वहाँ पे पेट्रोल पंप में सभी जो है वो अपने अपने फ़ोन को ले जाके चार्जिंग पे लगा रहे हैं। तो मैंने भी वहाँ पे लगवाया, तो उनसे रिक्वेस्ट की कि भैया प्लीज़ मेरे फ़ोन को, मोबाइल को जो है चार्जिंग पे लगा दीजिए। तो उन्होंने अपने कैबिन में लगा दिया था। तो स्कूल का भी अभी कोई आता पता नहीं था, फिर उसके बाद मैसेज आया जैसे ही मैंने वहाँ पे चार्ज किया ना मोबाइल अपना, तो फ़ोन में मैसेज आ गया। तो अभी हमें छुट्टियाँ हो गई है 1 तारीख तक, 1 अगस्त तक जो है छुट्टियाँ हो गई है। फिर अभी बच्चों को होमवर्क देने को रह गया, वो देंगे आगे। और देखा गाइस आपने कि बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो वैसे ही रहिएगा आप अपने घरों में, क्योंकि हम भी यहाँ पे फंस गए हैं। मैं तो बीच में फंस गए हूँ ना, मैं मनाली जा सकती हूँ ना कहीं और घर जा सकती हूँ ना कहीं और जा सकती हूँ, क्योंकि जो है वो रोड जो है गाइस टूट चुके हैं। मैं गई थी आज देखने रोडों का हाल, तो क्या देखना, थोड़ी ऐसी वीडियो बना पाई हूँ और ज़्यादा नहीं बनाई हूँ। बीच में जब भी मुझे टाइम लगेगा तो मैं पक्का जाऊँगी और वीडियो बनाऊँगी आपके लिए। और पर इतना बता देती हूँ कि रोड जो है पूरी तरह से डैमेज हो गया है, और बीच में जो था, बीच में जो रास्ता है ना रोड, वो बिल्कुल ही टूट चुका है और पत्थर आगे है पहाड़ों से। तो आज के ब्लॉग को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, फिर मिलूंगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा सबको, शुभ रात्रि।